नमस्कार, पीपी न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत। आज पीपी न्यूज़ लाइन की मुहिम तो आप जानते हैं कि हम आम आदमी से जाकर इस बार ये पूछ पड़ताल कर रहे हैं कि आखिरकार जम्मू कश्मीर की जनता क्या चाहती है। धारा 370 टूटने के बाद जम्मू में 11 साल के बाद इलेक्शंस होने जा रही है। आम जनता से हम ये जरूर पूछेंगे कि आखिरकार जनता जो है वो क्या चाहती है। सर, क्या नाम आपका? केवल शर्मा। केवल जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो 11 साल के बाद इलेक्शन जो है होने जा रही है, आप लोग किस तरह से इसे देखते हैं और क्या चाहते हैं? देखिए, जो आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद ये पहला चुनाव है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली तो लेट है, लेकिन बट हम फिर भी खुश हैं क्योंकि हो तो रहे हैं एटलीस्ट। ठीक है, बाकी बहुत अच्छा काम किया आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। किसी भी फील्ड में जाके देख लीजिए आप, चाहे आपका कहने का मतलब कि प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी अच्छे काम, बहुत बढ़िया काम किए हैं और एक अच्छा मूव है, हो रहे हैं, हुए भी हैं, पीछे अच्छे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं। आप रोड देख लो, दिल्ली से कटरा जो एक्सप्रेस वे का काम है, जम्मू में एम्स दिया है, IIT है, हॉस्पिटल्स की कंडीशन अच्छी हुई है। तो किसी भी फील्ड में जाके देखिए, बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। सर, जिस तरह से ये आपने सामने कहा है कि प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी अच्छे काम किए हैं, हम आपसे जानने चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने कह दिया कि कई सारी स्कीमें, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता कहीं ना कहीं नाराज दिखती है बीजेपी से, आप किस तरह से देखते हैं? देखो सर, जो आगे 10 साल मतलब बीजेपी ने काम किया, बहुत अच्छा काम किया है उसने, में जो मतलब प्रधान जी ने मतलब लॉन्च किए हैं। आप देखो, जम्मू कश्मीर में जगह जगह फ्लाईओवर इस टाइम बन रहा है, 4 लाइन का काम बन रहा है, ठीक है, नहीं अभी ट्रेन जाने वाली है श्रीनगर में, ठीक है, नहीं यानी बहुत सारा काम किया। बेशक 10 साल के बाद इलेक्शन अभी होने वाला, थोड़ा देरी हुई है, मगर मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, नहीं आगे भी अच्छा काम होगा। आप देखो, श्रीनगर में 370 टूटने से पहले इस टाइम भी मतलब मोदी जी की हुकूमत आएगी, क्या मोदी जी ने मतलब अच्छा काम किया है, ठीक है, नहीं अभी जो बचा कुछ कुछ काम है वो अभी अगले 5 साल में पूरा कर देगा। तो जिस तरह से ये लोग जो है ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने बड़े अच्छे काम किए हैं, और ये लोग जिस तरह से मुझे लग रहा है उनका साफ तौर पर ये कहना है कि हम लोग जो है बीजेपी की सपोर्ट करेंगे, हालांकि ये आम पब्लिक है, हम ये नहीं कहेंगे ये किसी के सपोर्टर है, लेकिन फिर भी अपना अपना नज़रिया होता है, आप किस तरह से देखते हैं किसे वोट करना चाहिए? हम तो वो जे चाहते दिखाती थी, और 370 था यहाँ पर दूसरी सरकार, ना कोई दूसरा बाहर से आ सकता था, ना कोई डेवलपमेंट हो सकती थी, अब तो सब कुछ है। सर, हम ये नहीं कहेंगे कि आप उनके फेवर में क्यों बोल रहे हैं बीजेपी के, हालांकि हमारा काम यही है कि ग्राउंड पर जाकर सच्चाई क्या है, जनता क्या चाहती है। लेकिन सर, आपसे ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि आपने देखा कि जम्मू में कई सारे प्रदर्शन हुए स्मार्ट मीटर को लेकर, प्रॉपर्टी टैक्स की बात की गई, तभी लोगों ने प्रदर्शन किया, तो उस तरह से आप देखेंगे कि आम जो जम्मू कश्मीर की जनता है उन्हें कैसे समझा पाएगी बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं? हम तो ये चाहते हैं, आप देखो ना, स्मार्ट मीटर तो हर जगह लगे हुए हैं, जो बिजली हम पहले लेते थे, पहले देखो बिजली का वो किराया नहीं देना पड़ता, इतना किराया नहीं, पहले 500 देना पड़ता था, अब 1000 देना पड़ता था। पंजाब में चले जाओ, वहाँ भी तो यही है ना, हर जगह यही है, पंजाब क्या, बॉम्बे क्या, कहीं भी आप चले जाओ, बिजली का किराया तो आपको देना ही पड़ेगा था पहले, हमें गए हैं। लोगों का कहना है कि काफ़ी बिल हमारे घरों में आ रहे हैं, लोग उससे कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, लोग संतुष्ट, उसका मेन एक रीज़न और भी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिन लोगों की पेंडेंसी पहले की बहुत ज़्यादा है, उनको पता ही नहीं चल रहा किस हिसाब से बिल आ रहा है, क्योंकि उसके ऊपर इंटरेस्ट भी बढ़ता है जी। वो बड़े सारे इशू हैं बीच में, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा आ रहा है कि अंधाधुंध ठोका जा रहा है बिल अपनी मर्जी से, वैसा कुछ नहीं है, टेक्निकली सिस्टम है पूरा। तो और भी जो डेवलप नेशन या डेवलप स्टेट्स हैं वहाँ पे ऑलरेडी ऐसा सिस्टम पहले से ही है, यहाँ पे तो अभी लागू हुआ है, तो इसमें इशू क्रिएट हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं किसी? नहीं, मैं किसी को खुल के ये नहीं है कि मैं बीजेपी के फेवर में बोल रहा हूँ, तो मैं बीजेपी के हम कोई किसी सपोर्टर है, लेकिन जो सही करेगा तो एट द एंड सपोर्ट तो करेगा। कहने का मतलब है सच्चाई सामने आनी चाहिए, तो सामने आनी चाहिए ना। अंत में कुछ कहना चाहेंगे आपकी जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए क्या? अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर की जनता से यही अपील है हमारी कि भाजपा को वोट दें, बहुत अच्छा कार्य सेंटर में भी कर रहे हैं, यहाँ पे भी एक अच्छी सरकार बने बहुमत के साथ, तो यहाँ पे डेवलपमेंट जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो पूरे कंप्लीट हों, आने वाला भविष्य बच्चों का अच्छे से
मैंने जो सर आपसे एक सवाल रहेगा अंत में, एक लास्ट सवाल है, जिस तरह से आपने बताया कि कश्मीर के अंदर 5 बजे के मार्केट बंद हो जाती थी, अब 12 बजे तक भी मार्केट खुल रही है, और क्या अचीवमेंट है जो बीजेपी के द्वारा वहाँ पर की गई है? देखो सर, बहुत सारे स्कीमें मतलब लॉन्च है, मतलब बीजेपी के दौर में 10 साल में, आप देखो किसानों को दो पत्थरबाजी कम हुई, पत्थरबाजी बिल्कुल जीरो है, कोई पत्थर में आप देखो मिलिटेंसी में मतलब कितना मतलब खत्म हुआ, कितनी शांति है वहाँ पे, कितने टूरिस्ट लाखों में टूरिस्ट जाते हैं आप देखो। ठीक है, मैं कश्मीर से हूँ, उन्होंने वहाँ की स्थिति बताई कि क्या किस तरह से हमारी जो सरकार है, प्रधानमंत्री जी है या फिर बीजेपी ने किस तरह की अचीवमेंट वहाँ पर की है। हमने इसीलिए कहा कि पीपी न्यूज़ लाइन ही मात्र एक ऐसा चैनल है जो ग्राउंड पर जाकर पूरी रियलिटी जो है